मैं दावा करता हूं कि एक ऐसा गीत आप सुनेंगे जो आप बरसों बरस तक नहीं भूल सकते। कोई बूढ़ी अम्मा रात को भूख के मारे जगती है, जा बैठे हैं न जाने कहां नजरें बचा कर। क्या बात? शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आपका सखा, आपका साथी, आपका हम सफर है जिंदगी की राह में। हंसी लेके आने वाला, मुस्कुराहट लेके आने वाला और ठाके लेके आने वाला, कैसा वाहक जिसे देखते ही आप मुस्कुराते हैं और कह देते हैं वाह वाह। और जिंदगी में यही होना चाहिए, ये वाह भाई वाह बनी रहनी चाहिए, अब किसी भी जगह हो जाए। लेकिन कुछ लोग वाह भाई वाह की बात करते हुए ऐसी राह ढूंढ लेते हैं कि फिर आह निकलती है। उस आह क्यों निकलती है? जिंदगी में चाह कुछ ऐसी होती है, जो चाह पड़ जाती है तो आह निकलती है। अब एक साहब अपने बाल कटवाने के लिए गए, सलून में बैठे थे। अब तुम्हारा तो क्या लेना देना। लेकिन वो साहब कह रहे, अब ये तो जाता है ना, तो जो बाल काटने वाला होता है नॉर्मल कटाई के 150 रुपए लेता है, इनके 400 मांगता है। बोले मेरे इतने क्यों मांग रहा? बोले ढूंढने के 250। कुल मिला के वो साहब गए, बाल कटवा रहे थे और इतने में कोई तुम्हारी तरह की खूबसूरत लड़की वहां आ गई। कोई महिला आई और आके खड़ी हुई और जैसे ही अंदर घुसी और कुछ बात हो उससे पहले ये साहब बोल पे, अरे हुजूर बड़ी खूबसूरत हैं आप। तो ये काट रहा है। जी जी शुक्रिया, थैंक यू। अरे नहीं थैंक यू क्या बात है, आज शाम को आप मुझसे कहीं मिल सकती हैं? देखिए जी मैं शादीशुदा हूँ। नहीं तो क्या पति को कहता ना किसी सहेली से मिलने जा रही हूँ। बोले आप ही कह दीजिए आपके बाल काट रहे हैं। गंजा होके निकला वहां से। चाह पड़ गई ना, चाह में कुछ करंट ऐसा होता है कि आदमी एकदम ब्लंट हो जाता है और फिर ब्लंट हो जाता है तो स्टम्प्ट हो जाता है। खैर कुल मिला के करंट से मुझे याद आया, एक पति ने कूलर में पानी भर रहा था, वो बेचारा तो उसी वक्त तार भी लगा हुआ था और पानी चेक भी कर रहा था कि भरा नहीं, लेकिन पागल हो गया क्या करो, करंट लग जाएगा ऐसे। बोले नहीं चेक कर रहा हूं, तूने करवा चौथ करवा चौथ रखा है कि नहीं रखा है? सुन लिया उसने। अब बारी पत्नी की थी। दूसरे दिन जो सुनिए जी इधर आओ और पति को लेके एक मिनट अपना हाथ दो और उंगली लेके सॉकेट में घुसा दे। ये ले, ये ले। अरे क्या कर रही है? करंट लग, नहीं देख रही हूं व्रत प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन पति भी कहां मानने वाला था, बदला तो निकालना था। तो दूसरे दिन बीवी को आवाज लगाई और सामने दो तार रख दिए, एक जरा पकड़ तो। उसने कहा क्यों? अरे पकड़ तो सही, कुछ नहीं होगा, जरा कुछ देखना है। उसने पकड़ लिया, कुछ हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ। हाँ अब पता चला करंट दूसरे में है। लेकिन जिंदगी में करंट आता है हंसी से, खुशी से। और ये तीन लोग हैं जिनमें करंट है, जिनमें बिजली है, और इनके पास जो बिजली है वो शब्दों की रोशनी करती है, कविताओं की रोशनी करती है। और मुझे बड़ी खुशी है, जो मेरा कर्तव्य है, जो हमारा फर्ज है, जो हम निभा रहे हैं कि नई प्रतिभाओं को किस तरह से हम लेके आए। और आज इसी तरह से ये जो हमारा उत्तर प्रदेश विशेष है, तीनों उत्तर प्रदेश के कवि हमारे बीच में बैठे हुए हैं, उनमें से दो ऐसे हैं जिन्हें पहली बार हम टेलीविजन पर लेके आ रहे हैं, वो भी इतने छोटे गांवों से जिनका नाम आपने कभी नहीं सुना होगा। ये अनुभव अज्ञानी है जो उन्नाव के पास बड़ोरा एक गांव है। कितनी आबादी है बड़ोरा की? सर 1200-1500। 1200 की आबादी का लड़का आज टेलीविजन पे आपके सामने खड़ा है क्योंकि हमने उसे ढूंढा और यहां लेके आ गए हैं, अनुभव अज्ञानी। और इधर जो बैठी है वो जौनपुर के पास कुकरियावा, एक छोटा सा गांव। कितनी आबादी है उस गांव की? पाठक बसते हैं, पूरा 250 की आबादी है। 250 की आबादी का गांव, और वहां से आती है योगिनी काजोल पाठक। और तुम क्यों
क्यों आते हो? ये भी जौनपुर का है, महेश दुबे आसरस कवि है। आई महफिल आगे बढ़ाते। जीवन में जब कहते हैं अनुभव मिल जाता है तो आदमी ज्ञानी हो जाता है, ये पहला अनुभव है जो अज्ञानी है। इसका नाम है अनुभव अज्ञानी, लेकिन इसमें बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है। आप जितना अनुभव प्राप्त करते हैं उतना पता चलता है कि हम कितने अज्ञानी थे, और जितना अनुभव प्राप्त करेंगे वो अज्ञान दूर होता चला जाएगा और हमें ज्ञान मिलता चला जाएगा। इल्म हमें ये सिखाता है कि हम कितने मूर्ख हैं, जितना पढ़ेंगे उतना पाएंगे कि हमारी मूर्खता की तो कोई सीमा ही नहीं है। इसे पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए। कोई युवा जब सोचता है कि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा सपने देखूंगा, तब ऊपर कोई बैठा है जो उसके सपने पूरे करता है। बड़ोरा गांव जो 1200 की आबादी का है, उसने लिखना शुरू किया, उसने आशीर्वाद दिया, हमने देखा और उसे यहां बुला लाया। अनुभव अज्ञानी, जोरदार तालियों के साथ। आप सभी को नमस्कार। जब हमारा नया नया ब्याह हुआ था तो हमारी पत्नी ने कहा ब्यूटी पार्लर का कोर्स करा दो। अच्छा। हम भी भावनाओं में सर बह गए, ब्यूटी पार्लर का कोर्स करा दिया। और अब हमारा दर्द सुनिए कि थी दिखने में हथौड़ी मगर कील रही है, वो मेरे कैमरे की पूरी रील रही है। बीबी को ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराया, अब घर के सदस्यों की भौहें छील रही है। घर के सदस्यों की भवें छील रही। यार ये छील का जवाब नहीं है, बहुत बढ़िया। जब हमारी शादी होने वाली थी तो हमारे जो ससुर जी आए थे वजन नापने वाली मशीन लेके आए थे। हमने कहा ये बताइए वजन नापने वाली मशीन काहे लेके आए हो? वो कहने लगे हमको ये देखना है कि तुम हमारी बिटिया से ज्यादा हल्के तो नहीं। तो जैसे ही वजन नापने वाली मशीन पे पैर हमने रखा, मशीन कहने लगी भाई साहब हम किलो में वजन बताते हैं, आप अभी ग्राम में ही चल रहे। चार पंक्तियां और सुनिएगा। ये जो तुमने वजन वाली बात कही, हमारे देश के बड़े प्रसिद्ध हास्य कवि जो हमारे मेरे तो बहुत अभिन्न मित्र भी थे, प्रदीप चौबे जी, स्वर्गीय प्रदीप चौबे, वो भारी भरकम हुआ करते थे, तो अपने पे हास्य करना जानते थे। तो उन्होंने एक बार कहा कि वजन कराने वाली मशीन पर हम चढ़े और गंद अब सिक्का डालते हैं और वजन आता था रेलवे स्टेशन पर लगी रहती थी, तो जैसे ही हम चढ़े इसमें से टिकट निकला, उस पर लिखा हुआ था कृपया एक एक करके चढ़ें। और सुनिएगा जी कि पैन कार्ड एटीएम आधार गिरा था, अरे चैन कलम चश्मा मेरे यार गिरा था, और तुम इस तरह गिरी हो मेरी नजरों में सनम। तुम इस तरह गिरी हो मेरी नजरों में सनम, कल शाम जैसे शेयर बाजार गिरा था। है, है। उसके बाद हमने एक गुरु बना लिए अपने, तो गुरु ने हमको एक शिक्षा दी, वो शिक्षा ये थी कि प्रत्यय मिलेगा तुमको उपसर्ग मिलेगा, घाटी मिलेगी थार या गुलमर्ग मिलेगा, और माँ के चरण छुओगे मिलेगी उम्र बहुत, बीबी के चरण छूने से ही स्वर्ग मिलेगा। देखिए जिस गुरु ने तुम्हें शिक्षा दी वो गुरु के पांव तो छुओ जाके वो। अरे पहले के गुरु अब गुरु घंटाल हो गए, अब वो समय नहीं बचा है। चार पंक्तियां और सुनना कि खाते हैं दया लोग इस चेचिस को देखकर, हमको लड़ाइयों से गुजरना नहीं पड़ा, और चेहरा था ऐसा देख के कुत्ते चले गए, हमको तो धत धत भी करना नहीं पड़ा। चेहरा था ऐसा देख के कुत्ते चले गए, हमको दत्त दत्त भी करना नहीं पड़ा। बहुत अच्छे। चार पंक्तियां सुनिएगा कि हम वहां पर खड़े थे जहां तुम कभी, युवा सुनना कि हम वहां पर खड़े थे जहां तुम कभी, या तो आए नहीं या दिखे ही नहीं, तुम हमें पढ़ते भी तो भला किस लिए, हम तुम्हारे सिलेबस में थे ही नहीं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। चार पंक्तियां अंतिम रख के अपने स्थान पे जाता हूँ कि सूने घर में हलचल वाला आंगन बनकर आना तुम, बिंदी नथुनी झुमके पायल कंगन बनकर आना तुम, और माँ मेरी बीमार बहुत है इस खातिर बस कहता हूँ जल्दी ही मेरी देहरी पर दुल्हन बनकर आना। वाह वाह वाह, जय हिंद, बहुत बहुत बढ़िया। कहने और अनुभव अज्ञानी के बाद मैं उसे बुला रहा हूं जिसके पास अनुभव भी है अज्ञान भी है लेकिन भरपूर ज्ञान भी है।
वो भी जौनपुर से हमारे बीच में महेश दुबे इस देश के चुनिंदा हास्य कवियों में से है जिसका अपना एक अलग खास अंदाज है। तो मैं चाहता हूँ कि अब जौनपुर के महेश दुबे आए, और वैसे अगर अज्ञानी की भाषा में कहूँ तो महेश दुबे आए और जरा टेस्ट करके बताएं कि क्या सुनाएंगे महेश दुबे। मैं एक डॉक्टर के पास गया, मेरे ऊपर के दांत में कीड़ा लग गया था, डॉक्टर ने नीचे का दांत निकाल दिया। मैं अगले दिन फिर गया, मैंने कहा ऊपर के दांत में कीड़ा लगा था, तुमने नीचे का क्यों निकाल दिया? डॉक्टर बोला वो नीचे वाले दांत पे ही खड़ा होके ऊपर काटता था। बहुत बढ़िया महेश, सपोर्ट ही हटा दिया। बहुत अच्छे। अपने देश में यही चल रहा है, इन्हीं विरोधाभासों को लेकर के कविता दे रहा हूं। महेश, गजब ये मेरा देश महान, यही है प्यारा हिंदुस्तान। गजब ये मेरा देश महान, यही है प्यारा हिंदुस्तान। खाने को आलू ना मिलते उड़ता मंगलयान। गजब ये मेरा देश महान, यही है प्यारा। बूढ़ी अम्मा रात को भूख के मारे जगती है, उसका चूल्हा नहीं सुलगता, काया सिर्फ सुलगती है। सीमा पर मरना सैनिक का फर्ज बताया जाता है, और एक छक्के की कीमत यहाँ करोड़ों लगती है। अस्पताल में प्राण वायु ले बच्चों की जान। गजब ये मेरा देश महान, यही है प्यारा हिंदुस्तान। खाने को आलू ना मिलते उड़ता मंगलयान। गजब ये मेरा देश महान, यही है प्यारा हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया महेश। जनता के सेवक मालिक हैं कोठीकार बगानों के, और वहीं हम मालिक तो मोहताज हुए हैं दानों के। क्या बात? मानव का मस्तक कट जाए उसका जिक्र नहीं होता, गुंडे फेरे लगा रहे हैं केवल बूचड़ खानों के। गाय मार कर चतुर खिलाड़ी करें मेढ की दान। गजब ये मेरा देश महान, यही है प्यारा हिंदुस्तान। खाने को आलू ना मिलते उड़ता मंगलयान। गजब ये मेरा देश महान, यही है प्यारा हिंदुस्तान। बाबा जी परमार्थ बांटते अकल के अंधे चेलों में। बाबा जी परमार्थ बांटते अकल के अंधे चेलों में। गुंडे मौज उड़ाया करते पैसे देकर जेलों में। मेहनत कश इंसान यहाँ धक्कों पर धक्के खाता है, और करोड़ों का सट्टा है देख लो यहाँ पे खेलों में। वही घूमता भूखा नंगा जो उपजाता धान। गजब ये मेरा देश महान, यही है प्यारा हिंदुस्तान। खाने को आलू ना मिलते उड़ता मंगलयान। गजब ये मेरा देश महान, यही है प्यारा हिंदुस्तान। दाढ़ी चोटी में जब देखो क्लेश दिखाई देता है, दाढ़ी चोटी में जब देखो क्लेश दिखाई देता है। उजड़ा गांधी गौतम का संदेश दिखाई देता है, जिनके आगे सरकारें भी जोड़े हाथ खड़ी रहती। मठों और डेरों से चलता देश दिखाई देता है, हर बिजनेस को हरा रही है मजहब की दुकान। गजब ये मेरा देश।
पास। तुमने बड़ी चेतना वाली कविता पढ़ी और मुझे बड़ी खुशी हुई कि युवा पीढ़ी इस कविता पे उन्होंने खड़े होकर तुम्हारा सम्मान किया। इससे जाहिर होता है कि ये लोग देश के लिए सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, इनके भीतर भी कहीं ना कहीं देश बसा। बहुत बढ़िया कविता पढ़ी। बस एक छोटा सा सवाल है, मेरा माइक उठाओ। इतनी बढ़िया कविता पढ़ने के बाद तुम्हें गाने की सलाह किसने दी? सर, घरवाली ने। घरवाली ने कि रात को गाया करो? नहीं, उसने कहा गाओगे तो टांग तोड़ दूंगी, जब भी गाओ सेट पे गाओ, घर पे मत गाना। घर पे गाया भी मत करो वरना पड़ोसी ये समझेंगे कि बीवी टांग तोड़ रही है। लेकिन तुमने बहुत बढ़िया कविता पढ़ी। इससे परसों पुरानी गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, जहां का मैं विद्यार्थी था एक जमाने में, और मैं तो चूंकि विज्ञान का विद्यार्थी था, हिंदी मेरा विषय नहीं था, और जो हिंदी पढ़ाते थे वहाँ पे, हमारे दो तीन प्रोफेसर जो हिंदी पढ़ाते थे जो बड़े कमाल के थे, डॉक्टर सोहनलाल पटनी, डॉक्टर रमाकांत शर्मा, डॉक्टर डीपी अग्रवाल, मैं विज्ञान का विद्यार्थी था तो उनसे पढ़ा तो नहीं, लेकिन वो एक गीत पढ़ते थे डॉक्टर रमाकांत शर्मा, तो वो पंक्ति मुझे अचानक याद आ गई तुम्हारी गीत सुन के। 40 बरस पहले मैंने कहीं उसे सुना था। उन्होंने कहा था, भूखे नंगे गांवों वाला मेरा देश महान है, और बैसाखी के पांवों वाला मेरा देश महान है, ऐसे नमक हरामों वाला मेरा देश महान है, बैसाखी के पांवों वाला मेरा देश महान है। ये जो व्यंग की चेतना है, ये व्यंग का जो भाव है, जो व्यंग की दृष्टि है, वो बड़ी कमाल की है, और इसी दृष्टि को हम बनाए रखेंगे। मैं दावा करता हूं कि एक ऐसा गीत आप सुनेंगे जो आप बरसों बरस तक नहीं भूल सकते। अनुभव अज्ञानी महेश दुबे, योगिता काजोल, अब पारी किसकी है? लेकिन इतनी आसानी से अगर मैंने बता दिया तो फिर मेरा नाम शैलेश लोढ़ा नहीं हो सकता। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ ऐसा सुनवाना चाहता हूँ। जिंदगी सिर्फ हंसी नहीं है, जिंदगी सिर्फ मुस्कुराहट नहीं है, जिंदगी उससे कहीं आगे है। यदि आपकी आंखों में आंसू नहीं है, यदि आपके हृदय में संवेदनाएं नहीं है, यदि आपके दिल के तार झनकृत नहीं होते, तो आप कुछ भी हो सकते हैं, इंसान नहीं है। और कविता यदि आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे के आपके हृदय के तारों को झनकृत न कर दे, तो वो कुछ भी हो सकती है, कविता नहीं है। एक ऐसी कविता के लिए मैं उस लड़की को बुलाना चाहता हूँ जो पहली बार टेलीविजन कैमरों के सामने आ रही है अज्ञानी की तरह, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपके दिलों में हमेशा के लिए बस जाएगी। योगिनी काजोल। एक नन्ही सी हथेली को हाथ बना कर, एक नन्ही सी हथेली को हाथ बना कर, चल दिए पिताजी वही हाथ छोड़ा कर, आए, आए। जाता है कौन ऐसे भला गम से मिला कर, चल दिए पिताजी वही हाथ छोड़ा कर, एक नन्ही सी हथेली को हाथ बना कर, क्या बात है, चल दिए पिताजी वही हाथ छोड़ा कर, जन्नत हमें थी देनी थी उनकी ये कसम, जन्नत हमें थी देनी थी उनकी ये कसम, हर हार मेरी जीत से था उनका ये भरम, दिलों की ताक पर अपनी याद सजा कर,
मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूं तुम्हारी प्रशंसा में योगिनी, और इस गीत की प्रशंसा में। ये भावना ऐसी है जिसे सिर्फ एक बेटी महसूस कर सकती है, कि कैसे जब पिता हथेली को हाथ बना के और वो हाथ किसी और को सौंप दे, चला जाए या पिता न रहे, तो जिंदगी क्या होती है ये सिर्फ वही समझ सकता है। मैं समझता हूँ तुम्हारा दर्द जो है, योगिनी ने माइक पे नहीं बताया पर ऑफ कैमरा मुझे बताया योगी ने। योगी ने उस गांव की है जो रहती है, और योगी ने इसी मुंबई में पैदा हुई थी, उसके पिता यहाँ काम करते थे, और इस शहर में दुर्भाग्यवश वो क्षण ऐसा था जब योगी ने अपने पिता को खो दिया। लेकिन आज ये तुम्हारी आंखों के आंसू जो है योगिनी, वो ऊपर बैठ के कहीं आशीर्वाद उन्होंने दिया, और ये उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज देश की जनता तुम्हारे लिए खड़ी हो गई। उनका हाथ सदैव तुम्हारे सर पर है, वो कहीं हाथ छुड़ा के नहीं गए हैं, उनके आशीष का हाथ सदैव तुम्हारे सर पर है और ऐसे ही रहेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और योगिनी जो एक छोटे से गांव से आई जौनपुर के पास से, मैं कह सकता हूं कि भविष्य की एक स्टार है। ये जो आंसू है ना तुम्हारे, ये आंसू तरक्की के हैं, प्रगति के हैं, खुशी के हैं, और यही आंसू तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। ऐसा ही अच्छा लिखती रहो, आगे बढ़ती रहो। क्या बात है साहब, कमाल का एपिसोड। दो नए लोग, अनुभव विज्ञानी और योगिनी काजोल पाठक, और दोनों ने ही आपके दिलों में छाप छोड़ी। एक ने अपने हास्य व्यंग्य से, और हास्य व्यंग्य एक अनूठे तरीके से, अपनी सहजता से, और दूसरे ने अपनी करुणा से। करुणा और सहजता के बीच में महेश दुबे ने देश की विसंगतियों पे अपना व्यंग पढ़ा। निश्चित तौर पे जब ऐसी कविताएं देश में सुनाई जाएंगी तो लोग कहेंगे कि क्या बात है, वाह भाई वाह। तो आज के एपिसोड में मैं क्या कहूँ, अद्भुत है। योगिनी के करुणा के गीत हमें आंसू की कीमत बताते हैं, जिंदगी के अनुभव हमें अज्ञानी होने से बचाते हैं, और जहां देश की विसंगतियों पर कविता पढ़ते महेश हैं, अभी तो जा रहे हैं फिर आने के लिए, पर अभी कह रहे वाह भाई वाह शैलेश हैं, वाह भाई वाह। आइए